कहानी एक नावल दी अमृता प्रीतम दा नावल डॉक्टर देव दूसरा अंग। ममता जा चुकी सी, दिन बीत रहे हैं। एक दिन जगदीश ने बारी चों वेख्या छोटी जी रंजू बगीचे च खेड रही सी। कदे किसे रुख बूटे का आसरा लैके खिलौंदी, एक दो कदम तुरदी ते फिर हसदी हसदी डिग पैंदी। आया उन्नू फड़ के अंदर लियाउणा चाहुंदी सी कि दुध का वेला हो गया, पर रंजू खेडन च इस तरह मगन सी कि उत्थों आना नहीं सी चाहती। तो फिर जदों आया ने उन्होंने जोरी चुक लिया तो रंजू रोन लग पई। जगदीश सोचन लगे, आया तो घड़ी दी टिक टिक नूं वेख के बच्चे नूं सुआउंदी है, जगाउंदी है, नहाउंदी है, खुआउंदी है। उहदे कोल मां दी धड़कदी छाती नहीं हुंदी। जगदीश दी अखां भर आईयां, मेरी रंजू कोलों मां दा पल्ला गवाच गया। ते रंजू ने जो पहला लफज बोलना सीखिया वह मां है। ਉਹਦਾ अर्थ नहीं जानती, पर जदों कुछ वड्डी होएगी ਇਹਦਾ अर्थ ਪੁੱਛੇਗੀ तो मैं की जवाब देंगा। ममता ने एक सरकारी स्कूल च काम ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰਾਂ च कमरा मिल गया ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਇੱਕ किताब पढ़ती कमरे की खुली बारी चों बाहर ਵੇਖਣ लगी तो ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਕੱਤੇ ਦਾ ਚੰਨ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ममता ने बत्ती बुझा दी तो बाहर चन्न वाल वेखण लग पई। कमरे दीयां दीवारां हल्के नीले रंग दीयां सन ते पता नहीं वह कदों शांत नीले पानी वांग वहण लग पईयां ते ममता दी मंजी उस पानी च एक बेड़ी वांग हो गई। बेड़ी पता नहीं कित्थे वहंदी जा रही सी कि उहदे विच बैठी हुई ममता दी नज़र पानी दे कंढे वल गई, जिथे हनेरे च कुछ परछावें जे दिसन लग पए। उहने वेखिया दूर सामने देव दा चेहरा सी, उस तरह प्यारा ते पंघरिया होया। ममता वेखती रह गई तो फिर ममता दी अखां भर आईयां। मूहों निकलिया, देव हुण विदा दे दिओ। जी करदा है कि बेड़ी ठहर जाए, मैं कंढे ते आ जा तुहाडे कोल, पर ये नदी जो मैनू किते दूर लै आई है हुण कंढे ते नहीं लगेगी। वेखो कंढा होर दूर हुंदा पिया। देव दा चेहरा अखां तो उजल हुंदा गया। बेड़ी उस तरह पानी च वहंदी रही। फिर वेख्या खब्बे हाथ बहुत परां गिल्ली रेत उत्ते खलोते जगदीश दा झौला पिया ते वेख्या उन्हां दे चौड़े मत्थे उत्ते पीड़ दीयां लीकां दिस रहीआं सन। होठां उत्ते एक चुप सी, पर पीड़ विच भिजी हुई ममता ने वेख्या तां अखां नीवीआं पा लईआं। हौली जी कहा, मैनूं माफ़ कर दिओ, मैं तुहाडे कोल आई तां मेरे हत्थ खाली सन। मैं तुहानूं कुछ नहीं दे सकी, तुसीं तां मोतियां दे वपारी सी। मैं दुनियादारी दे टुटे हुए मणके ते निक्कियां निक्कियां कौड़ियां तुहानूं देण लग्गियां शर्मिंदी हो गई। वेखो तुहाडे सामने मेरियां अखां नहीं उठदियां। बेड़ी वहंदी गई, कंढियां दे रुख बूटे फुੱल पत्ते ते कंकर मिट्टी सब पिछे छुटदे गए। जगदीश दा चौला भी। फिर पता नहीं किस वेले ममता ने सिर चुकिया, नज़र कंढे वल गई तो वेख्या उत्थे खलोता एक बच्चा ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਮਮਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਿੱਖੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਘਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਤਰਬਕ ਕੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ममता ने वेख्या एक छोटी जी बच्ची कंढे उत्ते रिढ़दी पई सी ते ओह रेत दी ठंडक सी जां किसी कंकरां दे चुभण दी पीड़ कि बच्ची रोंदी रोंदी पानी वल वध रही सी। ममता ने घबरा के अपनियां दोवें बाहवां उलार दित्तियां कि ओह बच्ची नूं थंम लवे, बाहवां 'च लै लवे, पर किनारा बड़ी दूर सी ते बेड़ी वहंदी जा रही सी। सब कुछ पिछे छुटदा पिया सी। ममता बड़ा चिर उस वहंदे पाणी नूं वेखदी रही ते अपनी तकदीर नूं भी, जो उन्होंने पता नहीं कित्थे ले जा रही सी। अचानक एक किनारे उत्ते बहुत सारे परछावें दिसन लग पए, कुछ कंब दियां थिड़क दियां आवाज़ां भी जो ममता दे कन्नां च पईयां तां उहने वेख्या उहदी मां, उहदे पिता, वड्डा भरा, वड्डी भैण गोडियां दे भार झुके होए किनारे उत्ते दिस रहे सन। उहनां दे पिछे पिता ते उहनां दे पिता दे परछावें सन। ममता ने एक बारी फिर वेख्या, फिर नज़र दूजे पासे कर लई, पर कुछ आवाज़ां सन जो उहनूं उहदे कन्नां नाल खैंदियां पईयां सन। बेटी सानू माफ़ कर दे, असीं तैनूं अपने हत्थीं गवा लिया, असीं कसूरवार हां, गुनाहगारा। ममता ने एक डूंगा साह लिया, फिर हौली जी कहा, रब तुहानू माफ करे। बेड़ी पता नहीं कदों तक पानी च वहंदी रही ते ममता अपने बदन च सिमटी हुई उस बेड़ी च पई रही। अंग तीसरा। घर दे रुख उत्ते बारी वरी बहार आई सी। सरला मां बनी ते कृष्ण लाल पिता। उन्हां दे मन फुल्लां वांग खिड़ गए। मन दे पंघूड़े नूं चांदी दीयां घंटियां लवाइयां ते चढ़दे पोच कृष्ण कुमार ने दूर नेड़े दीयां झुग्गियां च 100 रजाइयां वंडियां। एक दिन सरला चांदी दी बोतल च मनु नूं दुध दे रही सी कि कृष्ण लाल ने इतराज़ किया, शीशे दी बोतल चंगी सी सरला, इस चांदी दी बोतल विच तां इह वी नहीं दिसना कि बच्चे ने किन्ना क दुध पीता है ते किन्ना छड्ड दित्ता। सरला हस पई, कहन लगी, शीशे दी बोतल च चिट्टा दुध दूरों दिसदा है, बच्चे नूं नज़र लग जांदी है। बच्चे ने थोड़ा जिहा दुध पीता ते निप्पल मूँह विचों कड्ढण लग पिया। सरला घाबर जी गई, रोज़ ही दुध छड्ड दिंदा, अज डॉक्टर साहब दे आउण दा दिन है पर अजे तां आए नहीं। बच्चे दे जन्म तो ही घर दे पुराने डॉक्टर दा महीना बंद दिता गया सी कि ओह 2-3 दिनां च एक वारी बच्चे नूं वेख जाया करे, बच्चा ओहदी निगरानी च रहे। सरला फिर बच्चे नूं जोरीं दुध दी बोतल मूँह ला रही सी कि डॉक्टर आ गया। सरला ने शिकायत की तो डॉक्टर ने बच्चे नूं गोद च लैंदियां कहा, मनु बाबा, माँ का आखा मन लिया कर। तो फिर बच्चे नूं गौर नाल वेखदा आखन लगा, मनु बाबा दंद कढ़दा पिया है, वेखो चौल दी कणी वर्गा एक दंद सामने दिसदा पिया है, ताइयों दुध नहीं पींदा। कृष्ण लाल ने मेज वल होके बच्चे दी रिकॉर्ड बुक कढ़ी ते सरला नूं कहन लगे, अज की तरीक है, इहदे विच लिखना होएगा कि मनु दा पहला दंद कदों निकलिया सी। बच्चा डॉक्टर नाल खेडदा नै 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 कहन लगा तो डॉक्टर हसन लग पिया, ये स्टैथोस्कोप लेगा, वड्डा होके मेरे वांग डॉक्टर बनेगा। देव कृष्ण लाल दे बचपन दे दोस्त सन ते इस घर च उन्हां दी उडीक हमेशा बनी रहिंदी सी। उही कमरे च दाखल होए तो सरला हस पई, कहन लगी, हुणे मनु डॉक्टर साहब दा स्टैथोस्कोप मंगदा पिया सी ते मैं दिल च तुहानूं चेते कर रही सां, सोच रही सां कि जरूर वड्डा होके अपने देव चाचा वांग डॉक्टर बनेगा। देव हस पए। बच्चे ने रोज़ दे मेहमान नूं पछाणिया ते उन्हां वल उलरन लगा। देव ने बच्चे नूं गोद च लै लिया ते बच्चा उन्हां दे कोट दे बोझे नाल लगी कलम नूं वेख के नै 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 कहन लगा। कृष्ण लाल हस पे, कहन लगे, बई देव चाचा वांग डॉक्टर तां भावें बन जाई पर उन्हां वांग शायर ना बनी, नहीं तां मुश्किल होएगी। देव हस पए। कुदरत किसी नूं हसदियां खेडदियां कदों शायर बना दिंदी है, कौन जान सकदा है। सरला ने विचों ही कहा, देवर जी, ये शायरी बाद च करना, पहला मनु वास्ते आया दा बंदोबस्त करो। जदों तो इहदी आया पिंड गई है, सारियां दे मूँह वल तकदा उहनूं लभदा रहिंदा है। इन्ने च घर दे नौकर ने अंदर आके आखिया, बाजार च जिहड़े लाला नूं कहा सी आया वास्ते, उहने इक आया भेजी, अंदर लै आवां। आया सामने आई तां सरला नूं कोई एक भली जी औरत लगी। पूछया, पहलों किते आया दा काम तां कीता होएगा। आया कहन लगी, बीबी मेरी तो उम्र पक गई है इसे काम च, मेरे काम वेखोगे तो खुश हो जाओगे। दिल्ली च नवीं आई हाँ, इसलिए इत्थे लोग मैनू नहीं जानते। पहलों कित्थे सी? सरला ने पूछया तो कहन लगी, बीबी लाहौर च सां, वड्डे वड्डे घरां च काम कीता है। जदों छड्ड के पिंड गई सां, लाहौर दे राय साहब की कोठी च काम करदी सां, जगदीश प्रसाद जी की कोठी च। इत्थे दिल्ली मेरी भैन हुंदी है, उहनूं मिलण आई, पिंडों मुड़दी तां इत्थे ही रह पईयां। देव आया दी गल सुणदियां कुछ घबरा जे गए सन पर चुप रहे। सरला पुछी जा रही सी, पर इत्थे 2-4 महीने रह के फिर तां पिंड नहीं जाना। आया कहन लगी, नहीं बीबी, काम छड्डण दी तां मेरी आदत नहीं, उत्थे लाहौर भी मैं मर्जी नाल नहीं सी छड्डिया, छड्डना पिया। मैं तो सोचती हुंदी सां कि जिंदगी उत्थे बीत जाएगी, पर अजीब जी गल हो गई। उन्हां लोकां दे घर लड़की पैदा हुई तां माँ बीमार रहन लग पई। बीमारी कुछ नहीं सी, बस बैठी बैठी रोन लग पैंदी सी कि मेरा बच्चा ना खोवो। वो बड़े अमीर लोग सन, किसी डॉक्टर ने कह दिता है कि आया बदल के वेखो, इसलिए मैनूं काम छड्डना पिया। देव चुपचाप कंधां वल वेख रहे सन। सरला ने आया नाल तनख्वाह की गल तय की ते बच्चे नूं आया दे हत्थ सौंपदी उठ के मेज़ उत्ते चाह रखण लग पई। चाह का प्याला पी के देव जदों जा रहे सन, आया मनु नूं लैके घर दे बगीचे च बैठी सी। ਦੇਵ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਇਆ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਆਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੰਜੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੰਜੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਜੂ? ਦੇਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ। आया आख रही सी, बड़ी प्यारी बच्ची सी बाऊ जी, अपनी माँ वर्गी सोहनी, हुण तां कुछ वड्डी हो गई होएगी, मैनूं ओह बड़ी याद आउंदी है। देव दे हत्थां 'च कि बेबसी दा अहसास होया। उन्हां ने मनु नूं कुछड़ चुक लिया ते कुछ देर चुपचाप उहनूं छाती नाल लाई रखिया। धन्नवाद। चलदा।